हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत, जहां हम पढ़ रहे थे पॉलिटी फॉर द अपकमिंग जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है पंचायत। हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो तीन टायर पर काम करती है, तीन लेवल्स पर काम करती है। नेशन के लेवल पर काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। राज्यों के स्तर पे काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। जब विलेजेस या सिटीज की बात आती है तो उनके लेवल पे काम करती है पंचायत्स एंड म्यूनसिपालिटीज। आज हम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तीन टायर गवर्नमेंट के बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, डेमोक्रेटिक सेटअप को ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक बनाया जाए। क्योंकि आप देखें कि एक दिल्ली में बैठा हुआ मिनिस्टर ये कैसे जान पाएगा कि एक पेरिफेरल विलेज की नीड क्या है, उस विलेज की नीड, उनकी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे रहने वाला पर्सन ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकता है और उनके सॉल्यूशंस को भी वो बेहतर तरीके से खोज सकता है, अपना सकता है। तो इसीलिए जितने लोअर लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाएगा उतनी ज़्यादा आप एक तरह से कहें डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक विलेज है, वहाँ के लोग आपस के लोगों को जानते हैं, विलेज में रहने वालों को ही वो पंचायत के मेंबर्स की तरह चुनते हैं और वो पंचायत मेंबर्स भी वहीं रहते हैं। दे बेटर नो कि उस विलेज में सड़क की कमी है, एजुकेशन की कमी है, हेल्थ की कमी है, किस चीज़ की कमी है, उस विलेज की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसके वीकनेसेस क्या हैं, ये वहाँ के लोग बेहतर जानते हैं। अगर उन्हीं लोगों को फाइनेंसिस प्रोवाइड करके इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी दे दी जाए कि वो उस पर्टिकुलर विलेज के डेवलपमेंट के लिए काम करें, तो डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ बढ़ने के चांसेस और विकास पाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो थ्री टायर स्ट्रक्चर को लाया गया था, और इसका मेंशन जो है वो डीपीएसपी में भी है। जब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ा था तो हमने देखा था कि कुछ जो स्टेट पॉलिसीज हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल भी बेस्ड हैं। और जो गांधी जी थे उनका सबसे पहला यही मुद्दा था कि हर जो विलेज है वहाँ पंचायत होनी चाहिए। और ये कोई आज का सेटअप नहीं है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी ये जो पंचायत सिस्टम था ये हमारे देश में बहुत पुराना है। एंशियंट इंडिया से आप देखें तो ये सिस्टम चलता आ रहा है, बस उसके जो आप एक तरह से कहें फंक्शंस, पावर्स, उसके रूप बदलते गए हैं, अदरवाइज ये एग्जिस्टेड था। अब आज प्रेजेंट के हमारे देश में इसका क्या फंक्शन है, क्या पावर्स है, उन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इट इज अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट लेवल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सेंटर है, स्टेट है, और थर्ड लेवल टायर जो विलेज के लेवल्स पे आता है दैट इज द पंचायत सिस्टम। ठीक है, और पंचायत जो सिस्टम है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब उसे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह। मैंने जैसे आपको बताया कि पंचायत सिस्टम हमारे देश में बहुत पुराना है, भारत के आज़ाद होने से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी गांव में पंचायत होती थी। बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन तो देश के आज़ाद होने के बाद बना है, यानी कि उसकी वैल्यू, उसकी जो लेवल है उसे एनहांस कर दिया गया और रिकग्निशन प्रोवाइड कर दी गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिलता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1992। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि पंचायत सिस्टम जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अमेंडमेंट के अंडर और कौन से ईयर में मिला। सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, सो इसके थ्रू ये जो है डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल पे लाने की कोशिश की गई। ग्रास रूट लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि गांव है, गांव के लोग अपने में से मेंबर्स को चुन रहे और वो लोग उन्हीं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में नीचे लेवल तक आ गया। ठीक है, पहले किस तरह से काम होता था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट नाउ द वर्क स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, लोअर से अप की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, गवर्नेंस जो है वो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट की गई। अब पंचायती राज सिस्टम को एक पूरा
आप एक तरह से लीगल फॉर्म दे दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म दे दिया जाए, इसके लिए बहुत सी कमेटीज़ को बिठाया गया। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे ये बात तो की गई कि DPSPs के अंडर कि हर विलेज में पंचायत होनी चाहिए, बट उसके क्या पावर होनी चाहिए, किस तरह से उनको पैसा मिलेगा, क्या क्या काम वो कर सकते हैं, कितने लोग वहाँ होने चाहिए, इन सब के बारे में बात नहीं की गई थी। इन सब के बारे में कोई भी आप कहें एक तरह से प्रोविजन नहीं बनाया गया था। तो जब देश आज़ाद हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और धीरे धीरे गवर्नेंस आगे बढ़ती है, तो ये इस चीज़ को महसूस किया जाता है कि इसके लिए एक सेट ऑफ प्रोविजंस की ज़रूरत है, एक सेट ऑफ प्रोविजंस बनाने की ज़रूरत है जिसके हिसाब से पूरे देश में हर विलेज में इन पंचायत्स को बनाया जाए। तो इसके लिए बहुत सी कमेटीज़ को बिठाया गया जिनके नाम यहाँ हैं। आपको इन सब कमेटीज़ के रिकमेंडेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन कमेटीज़ के नाम ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ऑप्शंस में इस तरह से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कमेटी है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपने इनके नाम रीड किए होंगे, लर्न किए होंगे, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इनके रिकमेंडेशंस आपसे नहीं पूछी जाएंगे। आप बस एक जो कमेटी है दैट इज LM सिंघवी कमेटी, इसका ध्यान रखिए कि इसी की रिकमेंडेशन से फाइनली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है इन द ईयर 1992 और इन्हें एंटर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर पार्ट 9 और शेड्यूल 11। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको याद रखना है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके थ्रू उन्हें पंचायत को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, वो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। फिर आपको याद रखना है कि ये कौन से शेड्यूल के अंडर आते हैं। हमने पढ़े थे देयर आर 12 शेड्यूल इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो 11 शेड्यूल के अंडर आते हैं पंचायत्स, और कौन से पार्ट में आते हैं, कम्स अंडर पार्ट 9। ठीक है, 29 फंक्शनैलिटीज क्या हैं, ये 29 फंक्शंस हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पंचायत्स काम कर सकते हैं, लैंड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, ये इस तरह के सब्जेक्ट्स वहाँ इन्यूमरेटेड हैं जिन पर पंचायत को हक है कानून बनाने का, रूल्स बनाने का, रेगुलेशंस बनाने का। सो कितने हैं वो फंक्शंस, वो क्या क्या है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द नंबर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अलग है और पंचायत्स के लिए अलग है। तो पंचायत के लिए कितने हैं, 29, क्लियर। सो पार्ट 9, शेड्यूल 11 एंड फंक्शनैलिटीज 29। और कमेटी कौन कौन सी है, पहली आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। इन सभी कमेटी की रिकमेंडेशन जो वेरी करती हैं, वो वेरी करती थी कि किस किस लेवल पे पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, 2 लेवल होनी चाहिए, 3 लेवल होनी चाहिए, उन्हीं के बारे में उन्होंने थोड़ी सी, किस तरह के मेंबर होने चाहिए, किस तरह से चुने जाने चाहिए, बस इसी में वेरिएशन है। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी एंड द LM सिंघवी कमेटी, जिन्होंने फाइनली रेकमेंड किया कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है पंचायत को इन ईयर 1992। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फीचर्स, तो अगर पंचायत की बात करें तो वो 3 टायर्स पे काम करते हैं, 3 टायर्स। सबसे पहले आ जाता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो विलेज के लेवल पे, ठीक है, एट द लेवल ऑफ विलेज। ठीक है, दूसरा आता है ग्राम परिषद, जो कि ब्लॉक के लेवल पे काम करती है, ब्लॉक के लेवल पे, मतलब एक विलेज हो गया, सिंगल विलेज हो गया, तो वहां पे पंचायत होगी, 10-12 विलेज को इकट्ठा करके एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा दैट इज ऑफ ग्राम परिषद। तीसरे नंबर पे आ जाता है जिला परिषद, जिला परिषद मतलब जो कि एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट काम करेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, विलेज इकट्ठे होके ब्लॉक्स बनाते हैं और बहुत सारे ब्लॉक्स इकट्ठे होके डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिला परिषद करता है, उससे ऊपर आता है ग्राम परिषद और उससे ऊपर आता है, उससे नीचे आता है सॉरी ग्राम पंचायत। तो दिस इज द 3-टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
ठीक है, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल मतलब ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो काम करते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत में मेंबर्स कितने होंगे, ये वेरी करते हैं फ्रॉम द ग्राम पंचायत में मेंबर्स 5 to 9 होते हैं, ये विलेज टू विलेज वेरी करते हैं, इनको कहा जाता है पंच, और एक इनका हेड होता है जिसे कहा जाता है सरपंच, ठीक है। सो किसी विलेज में 5 हो सकते हैं, किसी में 6, किसी में 7, इट वेरी, बट 5 to 9 दे रिमेन। सो पंचायत में मेंबर 5 से 9 तक के होते हैं इंक्लूडिंग द सरपंच। अब जो ग्राम परिषद होती है जो ब्लॉक के लेवल पे है, उस ब्लॉक में जितने भी विलेज आते हैं उन विलेज के सभी सरपंच और पंच मिलकर ग्राम परिषद को बनाते हैं, क्लियर है। ब्लॉक में जितने भी विलेजेस आए उनकी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों के सभी पंच सरपंच मिलकर बनाते हैं ग्राम परिषद, और सभी परिषद को मिलकर बनता है जिला परिषद, क्लियर। अब ग्राम सभा की या वो ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत का टेन्योर कैसा रहता है, सिमिलर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा पार्लियामेंट का भी 5 साल का है, लोकसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी 5 ईयर्स का है, उसी तरह से क्योंकि ये लोअर लेवल पे थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस है इसका टेन्योर भी 5 ईयर्स रहता है। सो पंचायत को चूज किया जाता है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कौन चूज करता है ग्राम पंचायत के मेंबर्स को, पंचों को और सरपंचों को, दैट इज चूजन बाय ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा में जो सभी वोटर्स हैं विलेज के, इट इंक्लूडेड ऑल द वोटर्स ऑफ विलेज। एक पर्टिकुलर विलेज में 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं ना जो वोट डाल सकते हैं, जो वोटर लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, वो सभी मिलके ग्राम सभा बनाते हैं, और वो ग्राम सभा ही पंचायत के सरपंचों और पंचों को चुनती है, क्लियर। जिस तरह से हमने ये जाना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू MLAs और MPs चुने जाते हैं, उसी तरह से ग्राम सभा जो है वहां पे भी 18 अबव ईयर्स के लोग ही हैं, वोटर्स ही हैं, वो मिलकर चुनते हैं अपने विलेज के पंचों और सरपंचों को। और ये जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं पंचायत के, वो कौन इलेक्शन कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास होती है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होती है। स्टेट, ये भी एक पॉइंट है MCQs में आ सकता है, अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है तो मे बी स्टेट की इलेक्शन कंडक्ट कराती हो, मे बी MLA MLC की इलेक्शन कंडक्ट कराती हो, नहीं, MLA MLC की इलेक्शंस कंडक्ट नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराती है पंचायत की, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन काम करती है, ग्राम पंचायत की इलेक्शन का जो कंडक्ट कराने का काम है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है। जो इलेक्शन कमीशन है नेशनल इलेक्शन कमीशन, वो ही MLA MLC MPs इन सब की इलेक्शन कंडक्ट कराती है, ठीक है, ओके। सो यहां पे भी मैंने मेंशन किया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है इलेक्शन ऑफ पंचायत। So elections Panchayati Raj has direct and fair election at all level of its members, while the election for the chairperson at the intermediate and district levels are chosen through indirect elections. अब ये देखिए इसका क्या मतलब है, अब जहां पे सरपंच और पंचों की बात हो रही है वहां पे सब members जो है वो कैसे चुने जा रहे हैं, डायरेक्टली मैंने बताया ग्राम सभा के लोग चुनते हैं आपस में से, जैसे वोटिंग होती है और वो चुनते हैं पंचों को भी सरपंचों को भी। लेकिन जो इंटरमीडिएट लेवल पे है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राम परिषद या जिला परिषद जो है उसके चेयरमैन इनडायरेक्ट वे से चुने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट वे से मतलब उन्हें कौन चुन रहा है, उनको चुन रहे हैं आपके चुने हुए लोग, आप डायरेक्टली नहीं चुन रहे, उनको चुन रहे सरपंच और पंच, अलग अलग गांव के सरपंच और पंच उनको चुन रहे हैं, तो ये होगी इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। बाकी पंचों को सरपंचों को इट इज बाय द वे ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रिजर्वेशन, कि क्या जिस तरह से लोकसभा में रिजर्वेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन है, उस तरह से क्या पंचायत में भी रिजर्वेशन है, तो पंचायत में भी रिजर्वेशन दी गई है, विमेन्स को भी रिजर्वेशन दी गई है एंड SC and ST को भी रिजर्वेशन दी गई है। सो विमेन्स को कितनी रिजर्वेशन दी गई है, टोटल सीट का 1/3 पार्ट,
टोटल सीट्स जो हैं, अगर 150 सीट्स हैं तो उसका 1/3 पार्ट विल बी 50 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द विमेन, पंचों की भी और चेयरपर्सन की भी, मेंबर्स की भी और चेयरपर्सन की भी 1/3 सीट्स जो है दैट इज रिजर्व फॉर द विमेन। लेकिन जब एससी और एसटी की रिजर्वेशन की बात आती है सो दैट इज रिजर्व अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पर्टिकुलर विलेज में एससी और एसटी की कितनी पॉपुलेशन है उस बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है कि उनको पंचायत लेवल पे कितनी रिजर्वेशन दी जाएगी। तो एससी एसटी की जो रिजर्वेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, लेकिन जो विमेन की है वो फिक्स है 1/3 ऑफ टोटल सीट्स। क्लियर? टेन्योर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव असेंबली हो, पार्लियामेंट हो दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर, लोकसभा हो दैट इज इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर, सिमिलरली पंचायत भी 5 साल के लिए चुनी जाती है। लेकिन पंचायत को उसके टेन्योर से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली को भी डिसॉल्व किया जा सकता है और लोकसभा को भी डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर पंचायत को डिसॉल्व किया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर नई इलेक्शन को कंडक्ट कराने का रूल है। अगर आज पंचायत डिसॉल्व होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर नई पंचायत इलेक्ट होकर आ जानी चाहिए, और अगर पंचायत डिसॉल्व नहीं होती, अपना टेन्योर फुल करती है, तो जब तक नई पंचायत इलेक्ट होकर नहीं आती तब तक जो प्रीवियस पंचायत है वो रूलिंग में रहती है। ठीक है, और इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो जिम्मेदारी है दैट इज विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो दैट इज अबाउट द पंचायत। हमने जाना कि पंचायत जो है दैट इज लोअर टायर, 3rd tier ऑफ गवर्नेंस, उसमें 3 लेवल पे वो काम करती है, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो मेंबर्स हैं विलेज लेवल के और चेयरपर्सन हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चेयरपर्सन हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। टेन्योर इनका 5 ईयर्स का रहता है, चुनते इन्हें ग्राम सभा है। पावर्स की बात करें तो 29 फंक्शनैलिटीज़ हैं जहाँ पे ये पावर बना सकते हैं, जहाँ पे ये रूल्स रेगुलेशन वगैरह बना सकते हैं। और इलेक्शन की बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इनकी इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। सो दैट इज इट फॉर द, यस, सो दैट इज इट फॉर पंचायत। इसके साथ हमारा पंचायत का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।